गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है। देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। एक बार समुद्र में एक जलपरी को एक बेटी हो जाती है। समुद्र की सारी मछलियाँ जलपरी की बेटी को देखने आई हुई होती हैं। लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि एक भयानक चुड़ैल उन्हें देख रही थी। वह चुड़ैल कहती है, कितने साल बीत गए इस दिन का इंतजार करते हुए, आज वह दिन आ ही गया। जलपरी की बेटी बहुत ही शक्तिशाली है, इसे चुराऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का भेष बदल लेती है और जलपरी के पास जाकर कहती है, जलपरी बहन, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? जलपरी कहती है, हाँ क्यों नहीं। चुड़ैल जैसे ही बच्चे के पास जाती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जलपरी जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ, चुड़ैल लेकर भाग गई। सभी समुद्र की मछलियाँ और जलपरी चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। तभी चुड़ैल का पैर समुद्र के एक पत्थर से टकरा जाता है और वह बच्ची उसके हाथ से छिटक जाती है। वहीं पास में ही एक बड़ी मछली मुंह खोले घूम रही थी। गलती से वह बच्ची उसके पेट में चली जाती है और तभी उसे एक मछुआरा पकड़ लेता है। वह मछुआरा मछली को अपने घर ले जाता है और कहता है, देखो भगवान, आज मैं कितनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हूँ। इससे तो एक हफ्ते तक हमारे घर का गुजारा हो सकता है और बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं। ऐसा कहकर वह मछुआरा उस मछली को काटने लगता है। तभी उसमें से रोने की आवाज आती है। मछुआरा रोने की आवाज सुनकर घबरा जाता है। मछुआरे के पास ही एक साधु रहता था। वह साधु के पास जाता है, लेकिन वह मछुआरा असली में एक मरमेड था और भेष बदल कर गाँव में रहता था। वह मछुआरा साधु बाबा के पास जाता है और कहता है, मैं एक मछली पकड़ कर लाया हूँ, उसमें से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कृपया आप इसे देखिए। तभी वह बाबा भागा भागा मछली के पास जाता है और अपनी शक्ति से देखता है कि उसके पेट में जलपरी की बेटी है। वह मछुआरे से कहता है, इसमें एक जलपरी की बेटी है, तुम उसे मछली के पेट से निकालो। मछुआरा मछली के पेट से जलपरी की बेटी को निकालता है। तभी वहाँ चुड़ैल भी पहुँच जाती है और चुड़ैल यह सब देखती है। वह चुड़ैल उस बच्ची को छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस साधु बाबा ने घर के चारों तरफ एक लकीर बना रखी थी जिससे कोई पापी शक्ति पार नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह चुड़ैल लकीर के पास पहुँचती है, उसमें से आग निकलती है। वह चुड़ैल वहीं रुक जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु तो बहुत ही चलाक है, जब तक ये यहाँ है मैं इस लड़की को नहीं छीन सकती, इसके बाहर जाने का इंतजार करना होगा। साधु बाबा मछुआरे से कहते हैं, यह समुन्द्र की जलपरी की बेटी है, हमें इसे इसकी माँ के पास वापस पहुँचाना होगा। अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और यह मर भी सकती है। तभी मछुआरा और साधु बाबा उस बच्ची को लेकर समुद्र के पास जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती है और समुद्र के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु यहाँ से जैसे ही जाएगा फिर मैं इस बच्ची को दोबारा चुरा लूंगी, इस बच्ची का खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। साधु बाबा और मछुआरे को एक समुद्र की ही मछली जलपरी के पास ले जाती है। साधु बाबा जलपरी की बेटी को जलपरी को वापस सौंप देते हैं। जलपरी कहती है, साधु बाबा देखो ये चुड़ैल यही है और ये इसे दोबारा चुरा सकती है, मेरी मदद करें। तभी साधु बाबा एक तरकीब लगाते हैं और जलपरी की बेटी का एक क्लोन बनाते हैं और एक मैचस्टिक का जाल बनाते हैं। फिर जलपरी से कहते हैं, देखो यह आपकी बेटी नहीं है, यह एक क्लोन है, हूबहू आपकी बेटी की तरह ही दिखती है, इसे मैंने मेरी शक्ति से बनाया है, हम इसे इस माया जाल में रखेंगे, जैसे ही वह चुड़ैल इसे लेने आएगी वह इस माया जाल में जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। साधु बाबा ऐसा कहकर और उस जलपरी की नकली बेटी को माया जाल में रखकर थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि चुड़ैल को लगे कि साधु चला गया है। चुड़ैल साधु को जाता देख बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी से भागकर उसकी बेटी को उठा लेती हूँ, कोई नहीं है। चुड़ैल इतनी उतावली थी कि वह भागी भागी बच्ची को उठाने के लिए उस माया जाल में चली जाती है। जैसे ही वह उस माया जाल में जाती है, वह मैस्टिक माया जाल अपने आप जल जाता है। चुड़ैल कहती है, ये क्या, ये तो छलावा और धोखा है, साधु ने धोखे से मुझे मारा है। फिर क्या, वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।
तभी वह साधु अपने असली रूप यानी मरमेड में बदल जाता है और मछुआरे को बहुत सारा खजाना देता है और कहता है, लो अब तुम्हें समुद्र की मछलियों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खुशी से अपना जीवन जियो। एक बार कुछ शैतान लोक से एक जादुई मशीन और एक चुड़ैल की मूर्ति नदी के पास ले आते हैं। एक शैतान कहता है, चुड़ैल की रानी, इस जादुई मशीन की सहायता से हम आपको दोबारा जीवित कर लेंगे। चिंता मत करो चुड़ैल की रानी, मैं अभी जलपरी को पकड़ कर लेकर आता हूँ। फिर वह शैतान नदी में चला जाता है। और एक जलपरी को पकड़ लाता है। जलपरी कहती है, ए दुष्ट शैतान, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दे। लेकिन शैतान उसकी एक नहीं सुनता और बिना टाइम गवाए उस जलपरी को उस जादुई मशीन में डाल देता है। फिर क्या, जादुई मशीन में से बहुत सारे सांप बनकर निकलने लगते हैं। शैतान यह सब देख बहुत खुश होता है और कहता है, सुनो मेरे शैतानी सैनिकों, जल्दी से इन सांपों का जहर निकालो, यह जहर हमें चुड़ैल की रानी को पिलाना है। जहर के पिलाते ही चुड़ैल की रानी दोबारा जीवित हो जाएगी, जाओ जल्दी करो। शैतानी सैनिक ऐसा ही करते हैं और सांप के जहर को निकालने लगते हैं। वह सभी सांप के जहर को एक पोटली में इकट्ठा कर लेते हैं और शैतान को दे देते हैं। शैतान वह जहर मूर्ति को पिला देता है। तभी उस मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है। देखते ही देखते वह मूर्ति एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। शैतान चुड़ैल से कहता है, अच्छा हुआ चुड़ैल की रानी, आप जीवित हो गई। हमारे वादे के अनुसार हमने आपको जीवन दान दिला दिया, अब आप हमें शैतान लोक दिलाओगी और हमारी मदद करोगी। चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें शैतान लोक का राजा बनवा कर ही रहूंगी, लेकिन बहुत दिनों से मूर्ति बने रहने के कारण मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी शक्तियाँ जलपरी के द्वारा बनाई गई मछलियों को खाकर ही आएंगी, तो जल्दी से इस मशीन में जलपरियों को डालो और उनकी मछली बनाकर खिलाओ। फिर क्या, शैतान चुड़ैल की शक्तियाँ दिलाने के लिए फिर से जलपरी पकड़ लाता है और मशीन में डाल देता है। उस मशीन में से देखते ही देखते मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वह दुष्ट चुड़ैल मछलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सभी मछलियों को एक बार में ही निगल जाती है और कहती है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है। वहीं पास में भोला यह सब देख लेता है। वह कहता है, अरे यह क्या, नदी पर तो शैतान और चुड़ैल का साया आ गया और यह सभी जलपरियों को एक एक करके खा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द जलपरी की रानी को यह बात बतानी होगी। तभी भोला भागा भागा जलपरी की रानी के पास जाता है और सारी बात बता देता है। जलपरी की रानी कहती है, भोला अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया, हमें जल्द से जल्द नदी के बाबा के पास जाना होगा। ऐसा कहकर वह दोनों बिना टाइम गवाए नदी के साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। साधु बाबा कहते हैं, मैंने अपनी जादुई शक्ति से सब देख लिया कि कैसे उस शैतान ने चुड़ैल को जगाया। वह चुड़ैल बहुत ही खूंखार और भयंकर है, अगर वह ऐसे ही अपनी शक्ति बढ़ाती रही तो सब खतरे में आ जाएंगे। भोला कहता है, साधु बाबा उसे मारने का कोई तरीका तो होगा। साधु बाबा कहते हैं, हाँ जिस शैतान ने उस चुड़ैल को जगाया है उस शैतान को अगर किसी भी तरह उस मशीन में डाल दिया जाए और उसकी बनी हुई मछलियाँ चुड़ैल को खिलाई जाएं, तो वह चुड़ैल दोबारा से पत्थर में बदल जाएगी और फिर उस मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो वह चुड़ैल हमेशा के लिए मर सकती है, यही तरीका है उसे नष्ट करने का। तभी जलपरी की रानी भोला और साधु बाबा मशीन के पास जाते हैं। भोला अपनी शक्ति से उस शैतान को बेहोश कर देता है और जल्दी से उस मशीन में डाल देता है। फिर क्या, उस मशीन से शैतानी मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। भोला बिना टाइम गवाए शैतान का भेष बदल लेता है और मछलियों को लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल जैसे ही उन मछलियों को देखती है चुड़ैल के मुंह में पानी आने लगता है और वह जल्दी से उन सभी मछलियों को निगल जाती है। चुड़ैल कहती है, वाह बहुत मजा आ रहा है जलपरियों की मछलियाँ खाने में, बस मेरी शक्तियाँ वापस आने ही वाली हैं, फिर मैं तबाही मचा दूंगी और सबसे पहले जलपरी की रानी को खाऊंगी। लेकिन उसके इतना बोलते ही चुड़ैल अचानक एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। फिर क्या, साधु बाबा उस मूर्ति को नष्ट कर देते हैं
तभी जलपरियों की रानी साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा और भोला, हमें और इस नदी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।